वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग फ्रॉम बिहार एंड कटिहार रेलवे स्टेशन। तो बात ये है ना कि दो दिन में यहाँ बिहार आने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे, इसीलिए यहाँ से मतलब इसको जो चीज़ें हैं मतलब जो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो है वो वीडियो वगैरह मैं नहीं दे पाया। तो आज मैं कार्य अभी हूँ बिहार रेलवे स्टेशन में, मतलब बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन, ये ईस्टर्न जोन में पड़ता है। तो मैं यहाँ से निकलूँगा, बहुत दूर दूर निकलूँगा, तो आप हमारे साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा। आपको दिखाते हैं जो बिहार का भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ, मतलब बिहार कुछ जगह जाऊँगा तो वो सारा चीज़ें मैं दिखाऊँगा, तो मेरे साथ रहेगा। ये है कटिहार रेलवे स्टेशन। बाकी आप लोगों को मैं ज़्यादा तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी आप ये कटिहार रेलवे स्टेशन है, ये बिहार से लगभग मैं 500 किलोमीटर में 500 किलोमीटर मतलब ट्रैवल करके आया हूँ यहाँ पे। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे जो है ये कटिहार रेलवे स्टेशन का जो नज़ारा है, इधर सारा कुछ है, कटिहार रेलवे स्टेशन का नज़ारा है, ये सारा चीज़ें, ठीक है। धूप भी बहुत बड़ा बहुत आँख में लग रहा है यार, अब बज रहा है 9 बज रहा है, तो 9 के टाइम में धूप थोड़ा सा लगता है आँखों में, ठीक है। ये कटिहार रेलवे स्टेशन आप लोग तो दिखाते हैं वहाँ का जो मतलब अंदर का जो सीन है, उधर जो और निकलेगा वो सीन दिखाते हैं। तो हाँ, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप पुराने मेरे सब्सक्राइबर हो तो ऑलवेज थैंक यू एंड शेयर एंड लाइक कर दो अगले ऐसे अपडेट मतलब अपडेट के लिए, ठीक है। और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है मेरा व्हाट्सएप का, उसमें अगर कोई अपडेट चाहिए तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। और बाकी मेरे पीछे देख ही रहे हो ये कटिहार रेलवे स्टेशन, चलिए आपको दिखाते हैं कटिहार रेलवे स्टेशन। इस तरफ जो है ना, तो मेरे पीछे जो रोड देखे हो आप, वहाँ से हाईवे निकलता है यार। सुबह सुबह मैंने खा लिया तो थोड़ा क्या हो रहा है पता नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। भैया क्या कर रहे हो आप बताइए, क्या हो रहा है? ये काम हो रहा है, थोड़ा पानी डाल रहे ट्रेन में। वैसे आपका मतलब रोजाना लगा रहता है? हर एक्सप्रेस में डालते हो? हर एक्सप्रेस ट्रेन में डालते हो, ठीक है, इतना ही बस काफी। देखा आपने यार, पानी डाल रहे थे मेल हो या एक्सप्रेस हो, टोटल ट्रेन में डाल। तो देखा भैया ने पूरा हर ट्रेन अभी यार जूते खुल गए मेरा, रुक जाओ दिखाते हैं तुम लोगों को। ये जो है यार आपको सामान शायद आया है, ये है इस ट्रेन से मैं आया ना मेरा वाला ट्रेन निकल गया, मैं तो इस पटरी से आया था, वो ट्रेन दूसरा है, ठीक है। ये न्यू दिल्ली का है, डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली से जाता है। देख रहे हो पूरा सुबह का माहौल है, तो पूरा स्टेशन खाली है। ये थोड़ा दूर दराज से लोग हैं जो आए हैं वो है, बाकी जो इसका नज़ारा है बाकी सब खाली पड़ा हुआ है। इस ट्रैक्ट्री में आया हूँ, पहले वाला इसमें तीन पुल है शायद, इसमें तीन पुल है मैंने देखा। तो ये जो पहला पुल बंद रहने के कारण से ये दूसरे वाले पुल से बहुत भीड़ भाड़ का है, सही ना भैया?
कहा भैया अभी मूड में नहीं है यार बात करने का, ठीक है। तो ये पहला वाला पुल जो है उधर से वो शायद इधर स्टेशन है, इधर स्टेशन देखोगे तो ये लास्ट वाला पुल रहेगा। तो बंद रहने की वजह से इस पुल में शायद थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा है, मतलब क्राउड ज़्यादा है, इतना सुबह सुबह इतना भीड़ होना नहीं चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। तो क्या करना है बस हम लोगों को किया, हमें तो सिर्फ देखना है, हमें तो सिर्फ देखना है और दिखाना है। तो ये रहा इसका जो डाउन तरफ जाने का सेकंड पुल में, मतलब ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 या 5 में जाने का रास्ता है ये सारा, ठीक है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 में जाने का ये है। हाँ धूप बहुत कड़ जा रहा है या चश्मा टूट गया है क्या बोलो यार, वरना पहन लेते, ठीक है। तो ये है 4567 ही है, हाँ 67 प्लेटफॉर्म ही है, 7 तक ही है। आइए आपको दिखाते हैं आगे का और खूबसूरत नज़ारा बन रही है मेरे साथ वीडियो में, थोड़ा मूड सुबह सुबह सही है ना, हाँ सही है। तो बन रही है सुबह सुबह मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 या 7 का नज़ारा है, शहर से बैग बहुत बड़ा ले लिया हूँ यार, थोड़ा सामान कम पड़ जाता है इसीलिए थोड़ा बैग बड़ा ले लिया हूँ मैं, ठीक है। तो बन रही है हमारे साथ बिहार का जो नया नया जगह के बारे में एक्सप्लोरेशन है वो आपको दिखाऊंगा मैं। इधर से उतरता हूँ, ठीक है, आपको मैं अभी मेरे पास टाइम है थोड़ा, तो आपको मैं फास्ट वाले पुल में जो ले जाता हूँ। ये सेकंड पुल है स्टेशन इधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है आप लोगों को मैं दिखा दूँगा। स्टेशन इधर फास्ट पुल ये है और सेकंड पुल ये और लास्ट पुल वो, तो आपको मैं फास्ट पुल में ले जाता हूँ, ठीक है। फास्ट पुल से आपको दिखा दूँगा आपका नज़ारा, ठीक है। तो बढ़ रही जो समुंदर में मिला जाता है ना पंछी, ऐसे पंछी यहाँ मिला जाए यार, बहुत ज़बरदस्त है। और मैं पहले ही बोल दूँ कि इस स्टेशन को जो दुकान लोग, मतलब जो स्टेशन के जो कॉफ़ी मतलब दुकान जो है वो लोग थोड़ा ऑनलाइन में किस कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन उतना ऑनलाइन के का जो परिसेवा है उतना आप लोग यहाँ पे मिलने वाला नहीं है स्टेशन में, ठीक है। बाहर पता नहीं है लेकिन स्टेशन में तो यही चल रहा है कि ऑनलाइन से नहीं होगा ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन से नहीं होगा, मतलब ऑनलाइन उतना है नहीं ऑनलाइन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये काटिया रेलवे स्टेशन में ऑनलाइन थोड़ा सा होता नहीं है, मेरे पास ज़्यादा नहीं है। चलो यार किसी को पकड़ते हैं, ठीक है, किसी को पकड़ते हैं, इसके इन्फॉर्मेशन निकालते हैं स्टेशन के साथ। हाँ चलो, ये स्टेशन बहुत बड़ा है, 3-4 पुल है और स्टेशन का नज़ारा भी ज़बरदस्त है। और क्या बताऊँ आप लोग खुद ही देखो, ट्रेन से ताक रहा है मुझे लेकिन फिर भी मैं बहुत बार रहा, देखो यहाँ से बहुत बड़ा पुल है, बहुत बड़ा ही स्टेशन है, इधर से और एक उधर स्टेशन है, उसमें तो भीड़ भाड़ लगा हुआ है। ये है हाटे बाजार एक्सप्रेस ना कुछ से आ रहा है, अभी रुकते जाएगा। ये रहा बहुत बड़ा स्टेशन है, इधर 1, 2, 3, 4, 8 प्लेटफॉर्म है शायद, 8, हाँ शायद नहीं यार 8 ही प्लेटफॉर्म है। तो है गाइस ये मिला कुछ अंकल जी, तो अंकल जी से के बारे में पूछेंगे कहाँ कहाँ ट्रेन मिलते हैं, कहाँ कहाँ, तो अंकल जी कहाँ कहाँ से ट्रेन मिलते हैं यहाँ से कहाँ कहाँ लगे। मैं इधर से मॉर्निंग वॉक करके जाता हूँ रोज 8:30 बजे, हाँ तो यहाँ सुबह में सारा पटना का ट्रेन मिल जाती है इंटरसिटी, उसके बाद मालदा का चला जाता है, उसके बाद राधिकापुर का जाता है, फिर मनियारी का ट्रेन मिलता है सुबह सुबह, यहाँ से राजधानी में मिल जाती है गुवाहाटी के ट्रेन जाने के लिए, और कुछ ही दिन में शायद 17 तारीख से वंदे भारत भी यहाँ से चलने वाले। 17 तारीख से वंदे भारत, मतलब यहाँ से आप पूरे बिहार को ट्रैवल कर सकते हैं, पूरे बिहार का पूरे इंडिया को ट्रैवल कर सकते हैं, जहाँ का ट्रेन खोजिएगा वहाँ का ट्रेन मिलेगा, दिल्ली तक मिलेगा जी। दिल्ली तो आसान है, दिल्ली के लिए तो 7-8-10 ट्रेन होगी। हाँ यहाँ से इस तरफ क्या पड़ता है, इस तरफ मतलब कटिहार, कटिहार का जो मेन टाउन पड़ता है वो किस तरफ पड़ता है,
कक्षा का मेन तरफ यही पूरा दिशा में पड़ता है। इस तरफ से जी इस तरफ में पड़ता है। हाँ। और आपका आप यहाँ पे लोकल और नजदीक ही हो? हाँ, हाँ, लोकल ही है। बस अंकल जी थैंक यू। जो कैमरा और इक्विपमेंट देख के और एक भैया आगे कुछ बता रहे हैं, बताइए ये मतलब आप कहाँ से हो? यहीं लोकल का हो ना? हैं लोकल लोकल है। यहाँ से कहाँ कहाँ से ट्रेन जाता है? और यही सब सारा चीज़ मैंने वो अंकल जी से भी पूछा, आपसे भी यही पूछ रहा हूँ। आप लोकल कटिहार का मेन टाउन किस तरह पड़ता है? कटिहार का मेन टाउन किस तरह पड़ता है? मेन टाउन तो वही है कटिहार का, उस तरह पड़ता है। उस तरह पड़ता है मेन टाउन, सही है। और जो इस तरफ से अगर एग्जिट में करूँ बिल्डिंग, इस तरफ से अगर एग्जिट करूँ तो कहाँ कहाँ निकलेगा? ये मिर्चाबाड़ी निकलेगा। मिर्चाबाड़ी, हाँ ठीक है फिर चलिए। ओके भैया घुसाइए। हाँ ये अंकल जी यहाँ पे रिक्शा दौड़ा रहा है, देखो। चलिए अंकल जी, हाँ स्पीड में दौड़ाइएगा। ये अंकल जी पीछे से हेल्प कर रहे हैं, खलासी है। यहाँ से ये ट्रेन गजब टर्न ले रहा है यार, यहाँ से आ रहा है उधर से पूरा। तो ये है कटिहार रेलवे स्टेशन, ठीक है, कटिहार रेलवे स्टेशन फ्रॉम बिहार। तो आप लोगों को मैं और क्या दिखाऊँ, बस प्लेटफॉर्म तो मतलब घूमना हो ही गया, एक्सप्लोर करना हो ही गया है। बाकी आप साथ रहिए और ऐसे ही और नए नए जगह के बारे में, जो अभी मैं बिहार का कुछ जगह घूमने वाला हूँ तो उस जगह को लिए जानकारी लेने के लिए साथ बने रहिए और सपोर्ट करिएगा। क्यों और मेरे साथ रहिए बिहार के अलग अलग जगह देखने के लिए। और बिहार लोगों के लिए मैं बोलूँ, मैं आ गया हूँ बिहार यार आप लोगों को दिखाने के लिए। और जितने सारे मेरे बिहार दोस्त हैं, बिहारी दोस्त हैं, उन लोगों को भी बोल रहा हूँ और तुझे भी बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं चलो आ गया हूँ।